हेलो दोस्तों, मैं सौभाग, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टैक स्पो पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूनिवर्सिटी से क्रिकेट में कैरियर कैसे बनाएं। तो दोस्तों, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि दोस्तों आज की यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम में सिलेक्शन कैसे होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी की क्रिकेट टीम में भी खेलने के लिए आपको क्रिकेट एकेडमी की तरह ही यहां पर भी एक ट्रायल प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें दोस्तों सभी प्लेयर्स के परफॉर्मेंस को यूनिवर्सिटी के जो कोचेस होते हैं उनके द्वारा उनके परफॉर्मेंस को देखा जाता है, जिसमें दोस्तों जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उनको दोस्तों यूनिवर्सिटी की टीम में सेलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों यूनिवर्सिटी के द्वारा मैचेस ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं और इसके साथ ही कई सारी लीग्स का भी आयोजन कराया जाता है, जिसमें दोस्तों कई सारी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें दोस्तों उन प्लेयर्स को खेलने का मौका दिया जाता है जो प्लेयर्स ट्रायल्स में सेलेक्ट होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यूनिवर्सिटी के मैचेस में और यूनिवर्सिटी की लीग्स में जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उनको दोस्तों यूनिवर्सिटी की टीम से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलने का मौका दिया जाता है, जहां पर दोस्तों जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं इसके बाद दोस्तों उनको ऐसे ही स्टेट लेवल पर खेलने का मौका दिया जाता है, जहां पर दोस्तों जो प्लेयर्स स्टेट लेवल के मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उनको दोस्तों सेलेक्टर्स के द्वारा रणजी ट्रॉफी के कैंप में सेलेक्ट कर लिया जाता है, जहां पर दोस्तों स्टेट लेवल के बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स को कैंप में इनवाइट किया जाता है, जहां पर दोस्तों इन प्लेयर्स का रणजी ट्रॉफी के सेलेक्टर्स द्वारा ट्रायल्स कराया जाता है, जिसमें दोस्तों जो प्लेयर सेलेक्टर्स को अच्छा लगता है उनको दोस्तों सेलेक्टर्स द्वारा रणजी ट्रॉफी की टीम के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद दोस्तों इन प्लेयर्स को रणजी ट्रॉफी के मैचेस में खेलने का मौका मिलता है। यहां पर भी दोस्तों जो प्लेयर्स अच्छा परफॉर्मेंस करता है उसको दोस्तों आईपीएल की फ्रेंचाइजी द्वारा आईपीएल के ऑक्शन के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है, जहां पर दोस्तों ऑक्शन के लिए सेलेक्ट हुए प्लेयर्स की ऑक्शन में बोली लगाई जाती है, जहां पर दोस्तों जो फ्रेंचाइजीज उस प्लेयर्स की सबसे ज्यादा बोली लगाती हैं दोस्तों वही फ्रेंचाइजीज उस प्लेयर्स को अपनी टीम के लिए सेलेक्ट कर लेती है, उसके बाद दोस्तों उस प्लेयर्स को अपनी आईपीएल की टीम से खेलने का मौका मिलता है, जहां पर दोस्तों वो प्लेयर्स अगर अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो दोस्तों उस प्लेयर्स को इंडियन टीम से भी खेलने का मौका मिल जाता है, और दोस्तों कई सारे प्लेयर्स को डायरेक्ट रणजी ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस करने पर ही इंडियन टीम से खेलने का मौका मिल जाता है। तो दोस्तों यही प्रोसेस था जिसको आप लोग फॉलो करके यूनिवर्सिटी की टीम से कई बड़े बड़े लेवल पर खेल सकते हो। दोस्तों यह प्रोसेस बिल्कुल एकेडमी के जैसा है, बस दोस्तों यहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी से फुल सपोर्ट क्रिकेट खेलने के लिए मिलता है और आपको क्रिकेट की सारी चीजें यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं, जबकि आपको एकेडमी लेवल पर यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने जो आपको यूनिवर्सिटी से इंडियन टीम तक खेलने का प्रोसेस बताया है, दोस्तों इसके लिए आपको पहले यूनिवर्सिटी लेवल पर खेलना होता है, जिसके लिए दोस्तों आपको स्कूल लेवल की क्रिकेट खेलनी पड़ती है। अगर दोस्तों आप लोगों को जानना है कि स्कूल लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल पर कैसे खेलें, तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी से हेल्प मिली हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आसानी से पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।